जा श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मानां कृतधोयं हृदयेषु बुद्धि विश्वरूपस्य भाज्यासि पद्मा पद्मालये शुभे महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुखदात्री नमस्तुते ओं सुखदात्री धनदात्री महालक्ष्मी देव्ये नमो नमो ओं नमो लक्ष्मी नारायणाय ओं नमो लक्ष्मी जगन्नाथाय। मार्गशीर मास मास मानक मध्यरे सार शास्त्रे जहाँ को श्रेष्ठ मास बोली कहा जाएछि सही मार्गशीर मासर प्रत्येक गुरुवार पाळी रे माँ महालक्ष्मी को उद्देश्य रे पूजा आराधना करा जाए एवं मार्गशीर मासर प्रत्येक गुरुवार पाळी को माणवसा गुरुवार पाळी बोली कहा जाए। जेउ पाळी गुरुवार आद्य गुरुवार रे माँ लक्ष्मी कर माण बसा जाए ताको माणवसा बसा पाळी बोली कहा जाए एवं जेउ पाळी गुरुवार रे माँ महालक्ष्मी कर धान माण उठा जाए ताको माण उझुआ पाळी बोली कहा जाए। एवं मार्गशीर एक चारिपाड़ी अथवा पांचपाड़ी माँ महालक्ष्मी के उद्देश्य विभिन्न पूजार विधि विधान रही अनुसार माँ महालक्ष्मी पूजा करा जाए। तन्मध्यरु आहु गोटे पूजा सहित संयुक्त होता है गोटे रीति नीति परंपरा ताहा हेउछि माँ महालक्ष्मी के उद्देश्य घर अगणा ठारु आरंभ करी फाटक कबाट द्वार कांथ ठाकुर घर एपरिक घर मुख्य द्वार फाटक ठारु आरंभ करी घर बाड़ीपट पर्यंत माँ महालक्ष्मी के उद्देश्य सुंदर सुंदर छोटी चिता मान पड़ी थाए नुआ अरुआ चाउल बटा पिठौरे प्रस्तुत होता छोटी चिता गुड़िक जितेबले कांथरे अथवा चट्टाण रे पका जाए ता सुखीगला परे खूब सुंदर दिशे। माँ महालक्ष्मी होती स्वच्छता एवं सर्जना तथा समृद्धि प्रतीक तेणु माँ महालक्ष्मी का उद्देश्य समर्पित यह झोटी चिता गुड़िक शुभ्र रंगर धला रंगर होता है परिष्कार परिच्छन्न हो गृह मानंगरे जेतबले ही नुआ अरुआ चाउल बटारे झोटी गुड़िक पड़े सेतबले ताहा मांकर आगमनीर सूचना देथाय एवं सुंदर भावरे मन प्राण हृदय को परितृप्त करिथाय। मार्गशीर मासर प्रत्येक गुरुवार पाळी रे माँ महालक्ष्मी को उद्देश्य रे भिन्न भिन्न झोटी चिता अंका जाइथाय। तन्मध्यरु ओडिसा रे किछि पारंपरिक झोटी चिता मध्य रहिछि जहाँ केवल मार्गशीर गुरुवार मानंकरे गृह मानंकरे पड़िथाय एवं तन्मध्यरु सुआ सारी कपत कपती मयूर विभिन्न प्रकार धान माण जेहेतु यह माण बसा गुरुवार बोली कहा जाए तेनु धान माण बा धान सीसार प्रतीक भाव में कांथ मानकरे धान सीसार झोटी दिया जाए एवं पूर्व रात्रि रे प्रस्तुत हो रही नुआ अरुआ चाउल बटा पिठौरे एही झोटी चिता गुड़िक गुरुवार पूर्व दिन अर्थात बुधवार राति रे पका जाय थाए। माणवसा गुरुवार अथवा माण ओसा गुरुवार मार्गशीर मासर प्रत्येक गुरुवार पाळी माँ महालक्ष्मी गोटे स्वतंत्र पर्व ओडिशार गोटे पारंपरिक पर्व यही माणवसा गुरुवार माध्यम रे ओडिया प्राणर संस्कृति परंपरा र निदर्शन स्वरूप विभिन्न प्रकार झोटी चिता अंका जाए विभिन्न प्रकार ओडिया भोग नैवेद्य माँ महालक्ष्मी को समर्पण करा जाए एवं जेहेतु मार्गशीर मास हेउछि धान अमलर समय तेणु सृष्टिर पालनकर्त्री भाव में माँ महालक्ष्मी को आवाहन करी स्वागत करी विभिन्न पूजा विधान माँ को पूजा अर्चना करा जाए पांचपाली पर्यंत केबे केबे चारिपाली मध्य पड़ी थाए तेणु नुआ अरुआ चाउल बटा पिठौ पूर्वरु से ही नुआ अरुआ चाउल को भिजा जाए थाए जेपरी भाव में माणवसा गुरुवार प्रत्येक पाळी रे नुआ अरुआ चाउल रे प्रस्तुत होइथिबा अन्न खेचुड़ी अथवा खीरी अथवा अन्य जे कोनोसी दही भात ठारु आरंभ करी खाद्य पदार्थ नुआ अरुआ चाउल रे प्रस्तुत करा जाए सेहिपरी नुआ अरुआ चाउल रे मध्य झोटी चिता अंका जाए। गृहर सम्मुख भाग पश्चात भाग एवं गृह मध्यरे गृहर प्रत्येकटी पार्श्वरे एवं कोणरे परिष्कार परिच्छन्न भावरे लिपा पोछा करी प्रथमे ताकु भल भावरे सुखा जाए। पूर्व काल रे गाँ गहली मानकरे गोमयरे
घर द्वार लिपा पोछा करा जाउतिला गोबर पानी छिंचा जाउतिला एवं यही गोबर पानी एवं गोमय मध्य पवित्रतार प्रतीक हिंदू सनातन धर्म रे गोबर एवं गोमूत्र को गोटे स्वतंत्र आख्या दिया जाइछि एवं यहा मध्य समस्त प्रकार बीजाणु एवं जीवाणु निरोधी सेथिपाई गाँ गहल मानकरे गोबर पानी सहित गोमय द्वारा घर द्वार परिष्कार लिपा पोछा करा जाए तापरे ताकु भल भावरे सुखै दिया जाए एवं सहर मानकरे तथा गाँ मानकरे जेउठारे चट्टाण बा मार्बल रो कांथ एवं चट्टाण रहिछि सेठारे मध्य भल भावरे गंगा पानी को गोमय बा गोमूत्र रे मिसाई भल भावरे परिष्कार करी सुखाय दिया जाए तापरे गेरु अर्थात नाली रंगर माटी को प्रथमे भल भावरे लिपा जाए ताकू तापरे सुखाय दिया जाए ता उपरे सुंदर सुंदर छोटी चिता मान अंकन करा जाए माँ महालक्ष्मी कर पाद पद्म हेउछि मार्गशीर गुरुवार गोटे स्वतंत्र विधि महालक्ष्मी कर पाद पद्म को घर सम्मुख भाग ठारु आरंभ करी घर पश्चात भाग घर अगणा घर प्रत्येक कबाट पाखरे लक्ष्मी पाद पद्मर छोटी चिता अंकन करा जाए कारण यह हेउछि माँ महालक्ष्मी को आवाहन कर स्वागत करिवार पर्व तेणु विश्वास करा जाए माँ महालक्ष्मी कर पाद पद्म चिन्ह जदि घर आरंभ रु शेष पर्यंत प्रत्येक कोण रे पका जाए माँ महालक्ष्मी जी सुख शांति समृद्धि आनंदर देवी से सदा सर्वदा गृह रे विराजमान करिथांती एवं मनुष्यर जीवन को सरस सुंदर मधुमय करिथांती माँ महालक्ष्मी कर पाद पद्म सहित अष्टदल पद्म एवं विभिन्न प्रकार डाली पत्र फुलरे छोटी चिंता अका जाए जहाँ ओडिशार गोटे पारंपरिक छोटी चिंता भाव में परिगणित हुए एवं ता सहित विभिन्न प्रकार पशु पक्षी मयूर सुआ सारी एवं धान सीसा धान मेंटा केते गुड़ाए धान सीसा को एकाठी बांधी धान मेंटा प्रस्तुत करा जाए यही धान मेंटा बा धान बेंटा बा धान गहणी को मध्य माँ महालक्ष्मी प्रतीक भाव नुआ नाली रंगर ओढ़णी घोड़ाई पूजा करा जाए माणवसा गुरुवार गृह मध्य चट्टाण कांथरे एवं ठाकुर पूजा घरे नाली रंगर गेरु माटी दे ता उपरे नुआ अरुआ चाउलर पिठौरे सुंदर सुंदर झोटी चिता मान अंकन करा जाए जहाँ ओडिशार गोटे पारंपरिक एवं संस्कृतिर निदर्शन भाव में परिगणित हुए एवं यह सुंदर सुंदर झोटी चिता गुड़िकरे घर द्वार सबकि सतेजेपरी झलसी उठे मार्गशीर गुरुवार झोटी चिता एवं ओडिशार पारंपरिक यही झोटी चिता गुड़िक गोटे स्वतंत्र विधि एवं गोटे स्वतंत्रता भाव में परिगणित हुए जहा यही ओसार अन्यतम वैशिष्ट्य अटे माँ महालक्ष्मी के उद्देश्य रे मध्य लक्ष्मी पाद पद्म ठारु आरंभ करी विभिन्न प्रकार छोटी चिता अंकन करा जाए शंख चक्र गदा पद्म को अंकन करा जाए एवं दुईटी गज बा हस्ती माँ महालक्ष्मी के ऊपर अमृत कलशरु बारी सिंचन करुथिबार छोटी चिता मध्य अंका जाए जहाँ माँ महालक्ष्मी कर हेउछि आद्य स्वरूप कारण समुद्र मंथन बेले जेतेबेले माँ महालक्ष्मी स्वयं समुद्र मध्यरु बाहरिथिले सेतेबेले सही आद्य स्वरूप भावरे दुईटी गज बा हस्ती तांको उपरकु अमृत कुंभरु बारी सिंचन करुथिबार दृश्य परिलक्षित होइतिला तेणु सही चिता को मध्य मार्गशीर गुरुवार रे अंकन करा जाए ओडिशार अनेक पारंपरिक झोटी चिता रहिछि जहाँ यही मार्गशीर प्रत्येक गुरुवार पाली मानकरे अंका जाय थाए एवं ता व्यतीत अनेक निजर सुविधा अनुजाई सामर्थ्य अनुजाई एवं निजर पसंद अनुजाई मध्य छोटी चिता गुड़िक अंकन करिथांती द्वार बंध मानकरे विभिन्न डाली पत्र अंका जाए एवं कर्ण मानकरे अर्थात कोण मानकरे मध्य विभिन्न प्रकार डाली चिता अंकन कराए एवं माँ महालक्ष्मी के उद्देश्य रे दीप जाली द्वार बंध मानकरे लक्ष्मी पाद पद्म पकाई स्वागत करा जाए एवं गुरुवार सकाळे अर्थात प्रातः काल रे सही झोटी चिता गुड़ी करे मध्य भाग रे गोबर टिके आनी रखी ता उपरे गेंडु फूल
जहाँ महा महालक्ष्मी अतीब प्रिय नाली रंगर गेंदु फूल अथवा हलदिया रंगर गेंदु फूल को आनी से ही चिता उपरे गोबर उपरे गोटे गोटे गेंदु फूल प्रत्येक चिता मानकर रखा जाए जहाँ से ही छोटी चितार गर्व एवं गौरव को एवं सुंदरता को आहुरी बहुगुणित करदे थाए। मार्गशीर मासर प्रत्येक पाली रे घर द्वार ठारु आरंभ कर घर प्रत्येक पार्श्वरे सुंदर सुंदर भावरे अंका जाउथिबा एही पारंपरिक छोटी चिता गुड़िक माँ महालक्ष्मी आवाहनी एवं आगमनी सूचना दे थाए एवं भक्तजन मानसर मन प्राण हृदय सते जिपरी उत्फुल्लित होई उठे एवं घर परिपूर्ण हवा को लागे सते जिपरी माँ कृपाशीष घर मध्य झरी पड़े जेहेतु माँ महालक्ष्मी होउछंती परिष्कार प्रिय स्वच्छतार प्रतीक तेणु गृह को भल भाव परिष्कार करी गृह मध्य माँ प्रिय झोटी चिता गुड़िक अंकन कले विश्वास अच्छी माँ महालक्ष्मी से ही गृह मध्य ही रही जाए वर्ष सारा मनुष्यर जीवन को सरस सुंदर मधुमय करने सहित धर्म अर्थ मुख्य चतुर्वर्ग फल प्रदान करी स्वयं सेठारे विराजमान करी। लक्ष्मी पुराणरु मध्य आमे जानिबाकु पाउ जेतेबेले श्रीया चंडालुणी निजर घर द्वार को लिपा पोछा करी परिष्कार करी मार्गशीरर एक गुरुवार रे माँ महालक्ष्मीकर पूजा करूथिला स्वयं माँ नगर बुलबुलु से ही श्रीया चंडालुणी घरे पाद देई ताकु कृतार्थ करथिले एवं से माँ को कृपारु समस्त प्रकार धन धान्य गोप लक्ष्मी रे तार घर भरपूर होई उठिथिला। वर्ष सारा पालित हेउथिबा अनेक जानी यात्रा पर्व उत्सवरे आमे माने साधारणतः पंचवर्णी मुरुज बा अन्य समस्त वर्णर मुरुज पकाई थाउ। माँ महालक्ष्मीकर पूजन विधि रे मार्गशीर माणवसा गुरुवार प्रत्येक पाली रे अथवा चतुर्मास्य गुरुवार पाली रे माँ महालक्ष्मी को उद्देश्य रे नुआ अरुआ चाउल बटारे प्रस्तुत होता पीठौरे चिता मान पका जाए एवं ता पर दिन माणवसा गुरुवार ओषा सरवापर प्रत्येक पाली परे ता पर दिन एही चिता गुड़िक पानी पकाई पोछी दिया जाए लिभे दिया जाए कारण माँकर प्रतीक भावरे एही झोटी चिता गुड़िक मध्य परम पवित्रता एवं पावनर प्रतीक। मार्गशीर गुरुवार प्रत्येक पाली रे एही झोटी चिता माध्यम रे माँ को आवाहनी करी स्वागत करी माँ को पूजा उपासना करिवार एहा गोटिए वैशिष्ट्य एवं विश्वास करा जाए माँ महालक्ष्मी एही पाद पद्म देई झोटी चितारे प्रसन्न होई गृह मध्य को आगमनी करी सेठारे विराजमान करिथांती। से माँ महालक्ष्मी जे समस्त लक्षणर अधिकारिणी से ही नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठ सूर पूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते नमस्ते गरुडारूढ़े कुलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। माँ महालक्ष्मी जी संसारर पालनकर्त्री ए सृष्टिर पालनकारिणी स्वयं आदिशक्ति स्वरूपिणी विष्णु बक्षस्थल स्थिता जहाँ कृपारु गृह सदा सर्वदा धन धान्य गोप लक्ष्मी रे परिपूर्ण हो रही थाए एवं जी मनुष्य जीवन को सरस सुंदर मधुमय करी सर्वदा आनंद प्रदान करी थांती से ब्रह्मानंद प्रदायिनी माँ महालक्ष्मीकर चरणारविंदर हृदयर शत शतबार प्रणिपात। ओं नमो लक्ष्मी जगन्नाथाय ओं महालक्ष्मी नमो नमः।